विधानसभा के शीत सत्र का माहौल श्राइन बोर्ड के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से गर्मा गया है। सरकार के फैसले के खिलाफ हक हुकूकधारियों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान सरकार को साफ चेतावनी दी गई कि अगर वो बोर्ड के गठन का फैसला वापस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस कानून के आने के बाद यहाँ का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा खत्म हो जाएगा, इसलिए आज चारों धामों से जो हमारे हक हकूकधारी है, इसमें सिर्फ तीर्थ पुरोहित शब्द प्रयोग करना और लोगों का अपमान होगा। केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे जो तीर्थ और हमारे जो धाम हैं, इनकी मर्यादाओं को खत्म करने का ये प्रयास है। हम सड़कों पर उतरेंगे, मंदिर और व्यापारियों को, घोड़े खच्चरों को, ये सारा जो है पूरी घाटी हमारी श्राइन बोर्ड से। श्राइन बोर्ड का अर्थ हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, पहले वो हमको पूछते हैं, हम वहाँ के लोग हैं, वो तो पहले वहाँ पर ग्राम सभा थे और वहाँ पर जबरदस्ती श्राइन बोर्ड विकास प्राधिकरण वहाँ पर हम लोगों की जो भूमि होती है वो एकदम कम होती है, मुट्ठी में होती है, लेकिन जबरदस्ती हम ये चाहते हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड पूरा देवभूमि है, सब में श्राइन बोर्ड चालू कर, क्यों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अन्यथा जो 47 मंदिर और हैं, इन पर सरकार की नजर क्यों है।